हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लास, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर को आगे प्रोसीड करने से पहले, उसका डेफिनेशन जानने से पहले, ये जानना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर का इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब एक महत्वपूर्ण डिजिट्स या महत्वपूर्ण फिगर का महत्व क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, नीड क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अब नीड क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर मैं स्केल से डेमोस्ट्रेट करके इसको समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए 11 में आप 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपके पास खुद का एक कैलकुलेटर है, स्मॉल स्केल कैलकुलेटर, स्मॉल रिजोल्यूशन का, तो वो डिवाइड करके 3.66 डिजिट तक दे देगा, 6 तक दे देगा, ठीक है, 3 तक। मान लीजिए बड़ा, आपके पास और बड़ा कैलकुलेटर है, ठीक है, ये 3.66666 चलता जाएगा यहाँ तक, नहीं, और आप मॉनिटर पर आ गए, कंप्यूटर पर, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 3.66666 और चलता जाएगा, ठीक है, ये बड़ा सा चलता जाएगा। मेरे कहने का मतलब, इसकी संख्या में कमी नहीं आ रही, तो कहीं तो एक एंड होगा ना, जहां जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक तो रिलायबल डिजिट है, जो कि है ही, सर्टेन डिजिट है, और मान लो सपोज करो 2 ही डिजिट तक हम लेना चाहते हैं, या फिर चलो 3 डिजिट तक लेना चाहते हैं, 6, एक दूसरा, दोनों रिलायबल डिजिट है। लेकिन अगर थर्ड लेंगे तो इसके बाद जो है ना, 5 से बड़ा डिजिट है, तो या तो 6 हो सकता, लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके। तो हम चाहते हैं कि 6 ही लिखे, तो 6 लिख ली, ठीक है, राउंडिंग ऑफ नहीं है, हम सीधा मॉनिटर इसको लिखना चाहते हैं, राउंड ऑफ नहीं करना चाहते। तो अब ये जो है ना, ये क्या है, 3.6, या कोई राउंड ऑफ करना चाहता है, चलो राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करके लिख लो, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ जब करोगे तो 3.6, ये क्या है, सर्टेन डिजिट, ये सर्टेन डिजिट्स, एंड ये जो है वो क्या है, अनसर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। तो सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन मिल करके क्या बनाता है, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जिस पर हम निश्चित रूप से विश्वास है कि इतना तो है ही, लेकिन इस वाले में हमको कंफर्मेशन नहीं है, 6 भी हो सकता है, 6 से आगे भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो ये तो अनसर्टेन है। तो जो अनसर्टेन है प्लस सर्टेन डिजिट जो है, ये मिलकर बनाते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आई बात है। अब इसको थोड़ा सा और स्केल लेते हैं, स्केल से मेजर करके दिखते हैं। जैसे ये स्केल है, ठीक है, 1 मीटर का है, तो क्लियर ही है। अब 1 मीटर का है तो आप जानते हैं कि मीटर स्केल का जो रिजोल्यूशन होता है, जो लिस्ट काउंट होता है मिनिमम, वो कितना होता है, 1 mm का होता है, ठीक है, मतलब 1 mm तक वो मेजर कर सकता है, 1 mm से नीचे मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, तो 1 mm तक वो मेजर करेगा। अब इसको क्या करना है, यहां पर इसमें लगाना है, ठीक है, इसे मेजर करना है मुझे, तो 13.8 और 9 के बीच में ये स्केल, ठीक है, ये है, पूरा क्लियर नहीं है, 8 से आगे है और 9 के बीच में, मतलब कहने का 13.8 तक तो हम कंफर्म है कि ये है, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसमें या तो हम, क्योंकि नियर बाय या नजदीक है 8 के, तो 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये मेजरमेंट, ये जो डिजिट आया है इतना सेंटीमीटर, तो ये जो डिजिट आया है इसको कहते हैं सर्टेन डिजिट्स। ये क्या है प्यारे बच्चों, सर्टेन डिजिट्स, और ये जो है ना, अनसर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन डिजिट्स। तो सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स जो है ना, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स जो है ना, आपस में मिलकर बनाते हैं
सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही है इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन। और नीड क्या है कि नीड ये है कि 2 लिख सकते हैं तो 2.3 भी हो सकता है, अगर मान लो इसका रिजोल्यूशन और कम हो जाए तो हम फिक्स ऑफ करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि उसके बाद कौन सा डिजिट फिर कौन सा डिजिट। अब रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा स्केल का, वो और कम से कम लिस्ट मेजर कर करके दे सकता है। तो ये जो फिक्स डिजिट है, ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है क्लियर मेजरमेंट आता है, ठीक है, हम थोड़ा से कन्फर्म होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि इतने के आसपास यही है, ठीक है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर आया, ठीक है, कि हमारे मेजरमेंट को और कॉन्फिडेंट बना दे, मतलब क्लियर, जिसमें हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है इतना तो सर्टेन है, लेकिन ये अनसर्टेन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या होता है सिग्निफिकेंट, इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इन ए मेजरमेंट सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब रूल्स टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो रूल्स जो है ना, इसके रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस 3-4 रूल्स में एक क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा रूल्स रटने की लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। इसको चाहो तो तुम लिख लो, पॉज करके मैं रफ कर दूँ ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिंपल है, इसको पॉज कर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है डेसिमल सिस्टम के डिजिट्स 10, ठीक है। तो पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 6, 1 तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें जैसे 5, 4, 2, 1 इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसमें भी 4 हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑल नॉन जीरो में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जीरो में समझाते जा रहा हूं, जैसे समझते जाओ, ट्रैप जीरो जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब ट्रैप जीरो का क्या मतलब होता है, बीच में होता है नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ट्रैप जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितने भी ट्रैप जीरो होते हैं वो क्या है सिग्निफिकेंट है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 3, 0, 0, 2, 1 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल है, मान लो सपोज करो 3.0021 तो इस वाले केस में भी क्या है कितने, इसमें भी 5 है फॉर्चुनेटली, चलो एक बढ़ा लो, ठीक है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा 6 है। तो ये हो गया ट्रैप जीरो के केस में, आइदर डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों ही केस में ट्रैप जीरो है तो क्या होगा सिग्निफिकेंट ही होगा, ऑल ट्रैप जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो इसलिए ट्रैप जीरोज आर सिग्निफिकेंट सीधा लिखा हुआ है। अब देखो लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो जो होता है ना वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट, और इनसिग्निफिकेंट
करने का मतलब मेरा जो है लीडिंग जीरो से 0.002321, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लीडिंग जीरोस हैं, तो ये क्या है, डेसिमल है तो भी और नहीं रहेगा तो भी। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मान लो 0.0312 है, ऐसा है, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, आगे सामने वाले जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं। तो इनसिग्निफिकेंट का यही मतलब है, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, यही बात है। ट्रेलिंग जीरो में आओ, देखो ट्रैप जीरो हो गया, लीडिंग जीरो हो गया, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट है। तो जैसे 0.3201, सॉरी जीरो ऐसे लिखा हुआ है, या तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 4 डिजिट्स, ओके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और ऐसे दूसरा भी एग्जांपल 54200, तो इसमें भी कितना होंगे, 5। लेकिन ट्रेलिंग जीरोस इफ डेसिमल इज प्रेजेंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, या ऐसे लिख लो, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, जीरोस विदाउट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट, जैसे 3200, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 ही है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बस ऐसी है, 4 2 जो भी करना है आपको, जैसे 5200 इतना, तो ये आपको इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 है, 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया होगा शायद आपको। अब हम क्या करें, इसको रफ करें, लीडिंग ट्रेलिंग ये सब समझ में आ गया। अब हमें ना ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें से एक रह गया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन यूनिट सिस्टम, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम थे एम्बिग्यूटीज में, एक देख लेते हैं, यहाँ यही लिख देता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। मतलब ये तो है ही, इसमें थोड़ा सा एक काम को थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, फिर मैं यही लिख देता हूँ इस बात को, इसको रफ करके, चलो रफ करा, और यहां लिख देता हूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अपॉन यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे मान लो 4700 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना मीटर है, ओके, तो अब इसमें इसको अगर लिखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, 2। उसी तरह से अगर मान लीजिए 47 मीटर को अगर मान लीजिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, फिर 2। और एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 47 एंड ये 0 एमएम, क्यों, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एमएम, तो इसमें 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 2। ये सब सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यूनिट सिस्टम पर तो डिपेंड ही नहीं किया ये, ठीक है।
अब ना एक एक छोटा सा कंसेप्ट है एम्बिगिटीज इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। रूल्स तो यही खत्म हो गया, एम्बिग्यूटीज समझते हैं उसको कैसे दूर करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर आए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब जो भी एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या फिर नए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एक बार रफ कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों एक बहुत ही नोट देखिए ये बात पढ़ने वाली है, एम्बिग्यूटीज इन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो कंट्राडिक्शन है सिग्निफिकेंट फिगर में वो कैसा है, विरोधाभास, ठीक है, वो किस तरह का, विरोधाभास थोड़ा सा ज्यादा कठिन हिंदी हो गया, मतलब मतभेद किस तरह का है, ठीक है। तो एम्बिग्यूटीज जो है ना वो ट्रेलिंग जीरो में है, ठीक है, एम्बिग्यूटीज एंड ट्रेलिंग जीरोस, एम्बिग्यूटीज एंड सिग्निफिकेंट फिगर फिगर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जीरो। देखो होता क्या है, 47 ओके पॉइंट 30 मीटर, इसमें आपको बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप बोलेंगे इतना है नहीं। अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे ये बोला जाए कि इसमें एक और जीरो लगा दीजिए, ठीक है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहां आप बोलेंगे कितने 5 है। अब इसमें सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो भी आप कितने बोलेंगे 47, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जीरो तो दो जीरो तो आगे आ जाएगा 0.000 सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आप अगर देखें, तो यहां पर ये मीटर है इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सॉरी इतना तो होगा ही नहीं, यह मिस्टेक हो रहा है, 47.0 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जीरो आ जाएगा दो आगे, ये 0.0 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां मीटर ये इतना आगे चला गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर फिर से 5 हो गया। लेकिन अगर हम mm में कन्वर्ट करें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mm में कन्वर्ट करें, 10 से, तो 47,000 इतने mm, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। अब इस तरह का जो विरोधाभास आ रहा है कि ये ही चीज है, सेम ही चीज है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर तो ठीक है इसमें 5 थे, इसमें लेकिन 2 हो गए, तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नंबर के टर्म में लिखते हैं 10 की पावर के फॉर्म में, ठीक है। टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज, दिस टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज, दी राइट the digits in scientific notation, notation scientific notation के फॉर्म में। अब जैसे कैसे देखो, अगर हम इसको लिखना चाहे तो ठीक है 5 है ये, इसको इतना तो 47.000 मीटर इतना, तो ये तो सही है, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करें, 47.000 तो रहने दे, लेकिन 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिखें, 47 ये जो है ना यहाँ पर 0.00 इंटू 10 के पावर 3 mm लिखें, तो ये साइंटिफिक फिगर में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी इसके जो जितने इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इसके भी 5 रहेंगे और इसके भी 5 रहेंगे, मतलब कहने का देयर विल बी नो चेंज ओके इन सिग्निफिकेंट फिगर बाय राइटिंग द डिजिट्स इन सिग्निफिकेंट नंबर। आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब एम्बिग्यूटीज तो समझ में आ गई, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं टू मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के, ताकि हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स
डिजिट्स इन द फॉलोइंग केस। ये दिए हुए केस में आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 3201, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखो ये जो है ना, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर लिख देंगे। ये 1 2, अब 2303, इसमें कितने होंगे? थर्ड 0002, इसमें कितने होंगे? और फोर्थ में मान लो ये 1.2 × 10³, इसमें कितने होंगे? ओके, सिमिलरली यहाँ पर है 5, तो 5 वाले केस में कितने होंगे? देखो 0, 0, 2, ओके 6, 3, 8, 2, 0, 0, 6, 7, 4, 2, 3, 0, 0, ओके 1। अब इसमें हमको लिखना है, देखो ये जो आया हुआ है ना, ये AI Triple में आया हुआ है। AI Triple पहले होता था जेई मेन्स की तरह, जेई मेन्स जो किया है ना उसको AI Triple के अंदर था, 2010 में आया हुआ है। अब हमको बताना, देखो इसमें तो ट्रैप जीरो है, सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और यहां पर भी डेसिमल के बाद ट्रैप जीरो है, तो सिग्निफिकेंट होंगे। कितने होंगे इसमें? 4। और यहां कितना होगा? वो 1। और यहाँ कितना होगा? 2। अब तुमको यही ऑप्शन में आया था 4 1 2 3 1 2 5 1 2, ऐसे करके आप 4 1 2 वाले को क्या करना था? टिक करना था। तो फाइंड द स्टेटमेंट दिया था, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर, इतना 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 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको करे तो कितना हो जाएगा? 5। और इसको, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये 3, ये 6, ठीक है यार बच्चों, तो ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें नेक्स्ट जो करना है वो क्या करना है, किसके लिए करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ, फिर इसको भी स्टार्ट कर ही लेते, समझ ही लेते हैं। चलो थोड़ा रफ ही कर दो, सोच रहा था उसी साइड। प्यारे बच्चों, ये है रूल्स फॉर, नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो इसको, इसमें हम कैसे लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, इसके बारे में समझेंगे। देखिए पहला रूल क्या है, इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वी राइट फाइनल रिजल्ट एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब कहने का ये है कि इसका सिंपल सा मतलब ये है, 2.3 लिखा हुआ है और 3.47 लिखा हुआ है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट, इसको इससे ऐड करेंगे तो 7.7 आएगा। लेकिन हमें इतना ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसको जो एग्जैक्ट लिखेंगे ना वो कितना लिखेंगे? 5.7 ही लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। नहीं, इतना नहीं लिखेंगे 2.3, ओके सॉरी, इतना नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कितना? यहाँ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में 5.7 ही आएगा, नॉट 7.7। जो लिस्ट डिजिट तक जितना मिनिमम इसमें रहता है उतना ही तक लिखते हैं, ठीक है, एडिशन के केस में। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, हम डेसिमल से डिसाइड नहीं होता है कि इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 तक है तो 2 तक ही लिखे, हम सिग्निफिकेंट फिगर से डिसाइड होता है, ठीक है, कि इसमें जितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना तक लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कहने का, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इतना ही है 3 तक, तो हम इतना ही लेंगे 2.73। ऐसा नहीं कि इसमें 2 पॉइंट तक है तो यहां तक लेंगे, नहीं, 227.3 तक, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम है इसमें रहता है ना, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रहता है उसी को हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर।
अब राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, देखो राउंडिंग करते आए हो बचपन से तुम, इसको समझ लो यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स में। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन मैंने कहा ना सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स, तो सर्टेन डिजिट्स एंड वंस अनसर्टेन डिजिट्स जो है उसका राउंडिंग अप करना। देखो इसको दो तरीके कहते हैं, एक तो राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन। तो राउंडिंग अप मतलब पहले वाला और राउंडिंग डाउन मतलब पीछे वाला। देखो क्या है इसको, इंक्रीज द टर्मिनेटिंग डिजिट बाय वन इफ डिजिट्स ग्रेटर देन फाइव। एग्जाम्पल्स, अगर मान लो 5.475 है और हमें टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ये फाइव की बात नहीं हो रही है, जस्ट यहां सॉरी वन डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहां की बात हो रही है। तो अगर ग्रेटर देन है, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन फाइव, तो फाइव से बड़ा है सेवन, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 5.5, वन डिजिट तक। ठीक है, अब तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है अगर टू डिजिट तक करे तो, ठीक है, कि मतलब फाइव से एंड हो। अब इसके लिए हम यहां पर नीचे आएंगे जब फाइव हो लास्ट में। हम राउंडिंग ऑफ कहां किसके लिए करना चाहते हैं, जब सेवन लास्ट में, ठीक है, वन डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, अब देखो राउंडिंग डाउन, राउंडिंग डाउन का मतलब है लीव द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस एज इट इज गिवन एंड डिस्कार्ड डिजिट्स इफ राइट। राउंड सिंपल, राउंडिंग डाउन का मतलब है अगर डिजिट्स है ना वो लेस देन फाइव है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर ले लो ये टू है और अब आपको यहां राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, फाइव से छोटा है टू, तो थ्री डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है। सीधा तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 5 7, ठीक है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बढ़ेगा। अब तुम बार बार यही अटक रहे होंगे कि अगर फाइव होगा तो क्या होगा, तो सिंपल है, आ जाते हैं, फाइव होगा तो क्या होगा, व्हाट इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट जहां जिसको राउंड अप जिसको लेकर के करना है वो अगर फाइव हो तो क्या होगा। दो केसेस हो सकते हैं, प्रिसीडिंग डिजिट जो है ना डिजिट इज इवन, प्रिसीडिंग डिजिट जो होगा वो या तो इवन होगा या ऑड होगा एज इट इज। देखो सिंपल सा लेते हैं, ये इवन का केस हम ले लेते हैं, जैसे 5.425 है ऐसा केस है, ठीक है, मतलब सामने क्या है टू है, तो हम किसी तरह का इसमें कोई इसको लिव इट एज इट इज, तो लिव इट एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ये फाइव से करना है ना तुमको टू डिजिट तक, तो 4 2 यही रह जाएगा। इफ दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इसको। देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इफ प्रिसीडिंग डिजिट जो है ना डिजिट इज ऑड, अगर ऑड हो, ठीक है, तो ऑड वाला केस तो यही था पड़ा हुआ, देख 4.75, तो हम क्या करते हैं प्रिसीडिंग डिजिट को इंक्रीज कर देते, इंक्रीज इट बाय इंक्रीज प्रिसीडिंग डिजिट, या लेफ्ट साइड डिजिट ऐसे लिख सकते हो, कोई नहीं, प्रिसीडिंग डिजिट बाय वन, इसको तो लिख लो बाय वन। ये दूसरा पॉइंट था, पहला वाला इधर लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट बाय वन। जैसे ये क्या है 5.4475, तो इसको वन से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5.48, ये हो जाएगा। तो यही है क्लियर आपका, समझ में आई बात है, ये होगा रूल्स फॉर मतलब किसका राउंडिंग अप। अब इस पर आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक बार रफ करते हैं फिर इस पर जो आए हुए क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखना है हमको, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड, जैसे 18.35 अप टू थ्री डिजिट्स, थ्री डिजिट्स को हमको राउंड ऑफ करना है, कब कहां तक करना है थ्री डिजिट्स तक। ओके, तो सॉल्यूशन इसका निकाले तो पहला वाला थ्री डिजिट्स यहां से लेके डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स नहीं यहां तक, ये थ्री डिजिट्स। अब देखो मैंने बताया कि जो भी नंबर जो है ना फाइव से एंड होते हैं, तो अगर
ऑड है तो एक बढ़ा दीजिए, इवन है तो ड्रॉप कर दो, वैसे ही रहने दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 18.4, ये हो गया। दूसरा नंबर लो, अप टू 4 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4। अब देखो ये 3 है और लेस देन 5 है, तो इसको ड्रॉप कर दो, ये वैसे ही रहेगा 1, 4, 3.4। 3 नंबर है तो ये अप टू 3 डिजिट्स निकालने हैं। देखो अप टू 3 डिजिट्स, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट्स ही करना है, तो ये कितना है, 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ऐड, तो 190। उसके बाद नंबर कितना है, 4, 4 में कितना है, अप टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स ये करना है। तो ये वाला जो है ना इवेन है, तो इवेन को तो वैसे ही रहने देते हैं, बाकी ड्रॉप कर देते हैं उसको 6। उसके बाद कितना है 5, देखो 5, 101.53 × 10^6, अप टू 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स में क्या होता है, 2A 2A 4। अब टू 4 डिजिट्स आपको इसको करना है, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको बढ़ा पाएगा ही नहीं, तो 0.15 × 10^6। अब उसके बाद 6 नंबर है, अप टू 4 डिजिट्स अगेन, 1, 3, 2। अब देखो ये क्या है, 5 है, सामने क्या है, इवन, तो ये ऐसे रहेगा 31.32 × 10^-4। ओके, तो ये सारे जो हो जाएंगे राउंडिंग ऑफ कर ले। ओके, अब हमें क्या करना है, अ सब्सटेंस ऑफ मास, देखो ये जो है ना ये दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास कितना है 49.53 ग्राम एंड वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, 49.53 अपॉन 1.5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो 13.02 आएगा, ये आएगा आपको 13.02, और इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब इसमें क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि लिस्ट हम क्या पढ़े थे इसमें, कि जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके वैल्यू के बराबर इसका डेंसिटी हम काउंट करेंगे, नहीं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो है डेसिमल के बाद से नहीं, मतलब ऐसे डेसिमल वगैरह से मतलब नहीं है, ये चीजें हट जाएगा और ये जो आएगा करेक्ट कितना आएगा, 33 इसका ऑप्शन आएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला सी सही होगा। एक केरला सीईटी में पूछा होगा, मैंने ऑप्शन हटा दिया था और डायरेक्ट इसको क्वेश्चंस को पूछा है आपसे, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन था। 33 वाला जो होगा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वही काउंट होता है और ये इतना है। अच्छा, विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, इसमें राउंडिंग ऑफ तो है ना, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, केरला सीईटी। ओके, अभी थोड़ी देर मेरे दिमाग में आया कि मैं राउंडिंग ऑफ पढ़ा रहा था, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन ही सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने लिखा था, सीईटी में आया हुआ, कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट में, इसके कर्नाटका का, सॉरी कर्नाटका का है। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एज यूजुअल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू।